तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है बतासा बाबू ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं पिंका जी को वैक्सीन लगवाने कोरोना का, और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, वैक्सीन लग पाता है कि नहीं लग पाता है। तो अभी हम लोग घर से निकलेंगे और पिंकी जी अभी बच्चे लोग को थोड़ा सा फुसला करके निकलेंगी, और पिंका जी बाहर निकल चुकी हैं और बाहर में दिखाता हूँ मैं। तो चलते हैं फिर हॉस्पिटल, जो अस्पताल है उस पर अस्पताल में चलेंगे और देखते हैं कहाँ पे वैक्सीन लग रही है और कैसा क्या है ट्रीटमेंट होता है, जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और पिंका जी उधर खड़ी हुई हैं, बच्चे लोग ना देख पाए नहीं तो वो लोग बहुत परेशान करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो रही पिंका जी और बच्चे लोग को उनकी मम्मी मासी छिपा करके, मतलब फुसला करके आ रही हैं ताकि वो लोग रोने ना पाए, नहीं तो वो लोग भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। और पिंका जी इधर पहले से आके छिप गई हैं ताकि उनके बच्चे लोग ना देखें, नहीं तो बोलेंगे कि साथ में चले। और इसके लिए अभी हम लोग इधर आगे आ गए हैं, तो अभी देख सकते हैं उनकी ये इधर हंस भी रही हैं और उनकी बड़ी बहन आ रही हैं फुसला करके मना करके। क्या हुआ आप, हम नहीं रो रहे? हाँ, तो पिंका जी के दोनों बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। चलते हैं फिर हॉस्पिटल, देखते हैं वैक्सीन वहाँ पे लग पाता है कि नहीं लग पाता है। तो वहाँ पे वैक्सीन क्या पहले से बात हो गया है कि नहीं? और एक टोकन लेना है, वो सो लगा लेगा। अच्छा, टोकन नहीं मिला है और ऐसे ही जा, बोलती कि लगा ऐसे ही लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं फिर हॉस्पिटल, जो भी है जहाँ पे उसका सेंटर होगा वहाँ पे हम लोग चलते हैं। गाइस हम लोग अभी रोड पे, मेन रोड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। ये हमारे बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं शहीद महेंद्र पाल जी, आप ये देख सकते हैं। ये बस्तर के जो शहीद पार्क है वहाँ पे, उसके जस्ट पहले ही आता है झंकार टाकिज के पास में। और ये है शहीद महेंद्र कर्मा जी, इनका जो जन्म हुआ था 5/8/1950 का, और ये इनको वीर गति को प्राप्त हुए थे 25/5/2013 को। तो ये आप देख सकते हैं बस्तर के टाइगर माने जाते हैं, और ही बहुत ही एक समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा काम किए थे, इसके लिए इनको टाइगर का उपाधि दिया गया है। तो ये आप इस मार्ग देख सकते हैं, जगदलपुर पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। सामने कोतवाली है और ये वाला रास्ता जो जाता है ये अंदर गली में, इधर ही कहीं है उसका जो सेंटर है कोविड वैक्सीन का, वो इधर ही कहीं है। तो हम लोग वहीं पे पहुंचने वाले हैं, कोतवाली के जस्ट बगल में ही है और मैत्री संघ गली से लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा कम ही पड़ेगा। तो हम लोग पैदल ही आ गए हैं और दोनों बहनें जा रही हैं साथ हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं कोविड वैक्सीन सेंटर वाले जो बिल्डिंग है वहाँ पे, और यहीं पे लगता है
वैक्सीन। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे लगता है हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ता है कि इनका लगा है कि नहीं लगा है, और इसके लिए एक वेरिफिकेशन कोड जाता है जो आपके मोबाइल पे शो करता है। आप कोई भी अगर पूछताछ करता है तो वो आपको दिखाएंगे वो रसीद, उसका जो PDF फाइल होता है मोबाइल में दिखाएगा, उसको आप दिखा देंगे तो कोई भी सरकारी कर्मचारी जो भी चेक करता है वो आपको छोड़ देता है कि नहीं हाँ आपने करवा लिया है, और जो नहीं करवा रहता है उनके मोबाइल में शो नहीं करता है, इसके लिए वो लोग नहीं दिखाते। ठीक है, तो अभी उनका प्रोसेस चालू है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अली यहाँ का प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब दूसरी जगह जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एंट्री कराना होता है। यहाँ पे एंट्री हो रहा है कार्ड का कि ये आधार कार्ड के नंबर से इनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, और आगे उनको अंदर में जाके टेस्टिंग के लिए जाते हैं अंदर। यहाँ पे महिलाओं का मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन वो उनका अंदर में वैक्सीनेशन के लिए हो रहा है और इंजेक्शन लग रहा है, अंदर लगवा रही हैं वैक्सीन। फाइनली उनका लग चुका है, वो निकल चुकी है बाहर। तो जो कोई भाई नहीं लगवाया है लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री है, और आप लगवा लेंगे तो आपके भले के लिए लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हो चुका है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, और डॉक्टर साहब बोले हैं कि आधा घंटा आप लोग को वेट करना होगा और आधा घंटे के बाद ही आप लोग को घर पे जाना है। तो दिखाओ जी, वैक्सीन लगवाने के बाद में यहाँ से कुछ इस तरह का पर्ची मिलता है, तो आप लोग का ये कुछ फाइल है, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री जो पूरा करना पड़ता है, इसके पूरा करने के बाद में आपका ये फाइनल हो जाता है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया है। तो इसके बाद में आधा घंटा भी बैठेंगे, उसके बाद हम लोग को यहाँ से जाने के लिए छुट्टी मिलेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग आधे घंटे बाद यहाँ से निकलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आधा घंटा का बोले थे लेकिन पहले ही हम लोग निकल रहे हैं और चल रहे हैं घर पे, और देखते हैं फिर यहाँ से सीधे निकलेंगे घर पे। बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम लोग निकलते हैं घर पे।